हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भज अनंत गोपाल सत्य धाम, भज अनंत गोपाल सत्य धाम, जप हरे कृष्ण परम ब्रह्म राम, जप हरे कृष्ण परम ब्रह्म राम, भज पतित पावन कल्की 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 राम, जप सत्य सनातन हरे राम, जप सत्य सनातन हरे राम, भज अनंत गोपाल सत्य धाम, भज अनंत गोपाल सत्य धाम। बोलिए महापुरुष हरिदास की शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली। आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका बचन आलोचन आम आलोचना करने को जाऊे। महापुरुष कहते बाबू रे जुगाब्द ख्रीष्टाब्द शकाब्द को घेनी तु ही अन्यान्य अंक को बाबू रखिबू चेताई चेतना तू ताकू रखिबू आ चेता चैतन। महापुरुष लखिले कथा चेता चैतन मान एक करी थी बाबू एक करी थीबू कल्कि लीला देखी तू ही संतोष होइबू बाबू संतोष होइबू। ये चेता चैतन मान एक करी थीबू, ये चेता को आ चैतन को जब एक करू चैतन्य ठार मन रखिथु प्रभु को स्मरण करूबू भगवान को स्मरण करूबू प्रभु नाम नेबू से चैतन्य पुरुषंर कीर्तन करूबू चैतन्य पुरुषंर कथा शुणुबू चैतन्य पुरुष को ध्यान धारणा करूबू एवं आउ कौन करूँ ना चेतन थी आम समस्त चेतन अच्छा विषयार सरे मजिली साधो संग को तेजी तरुणी तनया तन को दीवार जानी तेजी तरुणी तनया तन को दीवार जानी तेजी तरुणी तनया तन को दीवार जनी विषया रसरे मजिली साधु संग को तेजी। समस्ते चेतारे नहांती, समस्ते यदि चेतारे थानते ताले सो अहम सच्चिदानंद अहम तत्वमसी अयमात्मा ब्रह्म मु शरीर नुहे मु आत्मा। ये शरीर पोशाक नुआ पुराणा पोशाक छाड़ी नुआ पोशाक पिंधिला भली ये आत्मा पुराणा शरीर छाड़ी पुणी ए सर छाड़ी पुणी नूतन कलेवर नूतन सर धारण करिवो। आत्मा अमर, आत्मार जन्म मृत्यु नाही। पुणी थरे जन्म हवा, जन्म हवा तो कर्मफल निश्चित भोग करिबा प्रारब्ध अनुसार। ए जन्म रे जहा कर्म करिथिबा या पर जन्म रे भोग करिबा। पूर्व जन्म रे जहा कर्म करुथिले तार फल ए जन्म रे आमे भोगुचे। जद्धा ताभाल बटे लिखितम तत्कर्मानुसार फलम। अर्थात विधाता जहा लिखि देइछि पूर्व जन्मर प्रारब्ध अनुसार ए जन्म रे आमे ताकू भोग करूचे। ए जन्म रे जहा कर्म करिबा या पर जन्म रे ताकू रे कड़ी युगर मणि छतते भोगियाकू पड़िबो। कर्म फल विराट सिद्धांत अनुसार केही बात जाई नहांदी कर्म फल जेसी करनी वेसी फल आज नहीं तो निश्चिंत कल जिमितिया कर्म करिवा ता फल आज नुए ता आसंदा काल की भोगिया को हेबो थाई पछे गुरु वशिष्ठ पंडित नटणीला कर्म गति पितांग मरण सीतांग हरण वने पुड़ीला विपत्ति। प्रभु राम को मध्य कर्म फल भोगिया को पड़ी थेला बालिकी लुचिकी मारी थेले बोली त्रेता जुगरे रामावतार रे एई कर्म फल भोगिया को पड़िला आउ गोटे जुग पर्यंत अपेक्षा करिया पड़िला ये कर्म फल भोगिया पाई द्वापर जुगरे कृष्ण अवतार रे सियाली लटारे सोईथला बेले जारासबर लुचिकी सरबिद्ध कला प्रभु कर्म फल भोगिचंती। तेणु कर्म फल आज नुहे तो आसंदा काली ये जन्म नुहे तो या पर जन्म रे जन्म जन्मांतर रे भोगिया को पड़िवो। आत्मा अमर अविनाशी तार जन्म मृत्यु नाही ई कथा को बुझिया को पड़िवो। तेणु ये कथा को जी बुझीदे सी चेतारे अच्छी सी चेतारे अच्छी बोली आम जाना सी चेतना सहित संपर्क रखी बोली आम जाना जदि ये कथा को किए बुझीना बा या विषय जी चिंता करूना भावुना जाना सी चेतारे ना कि चेतना ठार तार मन ना केवल विषय यार सरे मजिली साधो संग कोते जी अच्युत कहले अष्टभुजरे आउ तरुणी तनया तनको दिवार जनी हेजी तरुणी तनया तनु तरुणी स्त्री तनया कहले पुओ बा तनया कहले झीओ एवं तनु कहले शरीर या भितर से बुढ़ी अच्छी या भितर तार मन अच्छी चेतार से ना आउ से महापुरुष कहते चेता चैतन मान जीए एक कर से कौन कर से कौन पाइब ना कड़की लीला देखी तो ही संतोष हो इबो से ही कड़की लीला देखो से ही ये लीला को बुझी पारिबो। वर्तमान समय रे जो लीला चली कड़की लीला जो महान परिवर्तन चली ताकू से ही बुझी पारिबो। महापुरुष से लिखिछन ये कथा हे ज्ञानी गुणी मंडली ताले की लीला चली वर्तमान समय रे किमिति बुझीवा तेबे सीना लीला प्रकाश तेरा त्रिगुणे पंचमान राखी विचार अच्युत सत्य माणे अच्युत सत्य माणे सुजाने अच्युत सत्य माणे अच्युत सत्य माणे सुजाने अच्युत सत्य माणे बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की तेबे सीना लीला प्रकाश हेब तेर त्रिगुणे। अच्युत महापुरुष या सुंदर भाव आलोचना कले शिवकल्प नवखंड निर्घंटर ये पद अष्टम निर्घंटर कहते तेबे सीना लीला प्रकाश हेब तेर त्रिगुणे आपको हिसाब कले यही समय ही हेब जो समय गुड़िक आम आलोचना करें आ पांच मन रखी विचार ये गोटे मन यार हिसाब करें ना पांच मन अमन कुमन सुमन विमन मन को मिसाई है पांच मन अमन कुमन सुमन विमन मन को मिसाई है पांच मन। तेणु मनीष भितर पांच मन 25 प्रकृति अच्छी से 25 प्रकृति कौन आम पर आलोचना करवा। तेणु ये पांच मन को रखिकी जदि विचार कर पांच मन को जदि तुम्हें रखिकी ये लीला विषय चिंता कर चेतार रही ताहले कड़की लीला कड़ी जुगर मनीष तू बुझी पारिबु नले एक मन रे बुझी पारिबु पांच मन को रखिबा दरकार। तेणु हे सुधियाने अच्युत से कहले अंक रे बाबो भेदाराही थीवा बाबो भेदाराही थीवा मनुष्य माने जे केही न जानी बाबो केही न जानी बा। तेणु अंकरे जो भेद रही महापुरुष हरिदास महापुरुष अच्युत महापुरुष यशवंत, महापुरुष शिशुअनंत, महापुरुष बलरामदास, महापुरुष जगन्नाथदास, सन्थ भीम भोई कर पद्मकल्प एवं हरिदास मालिका आउरी मध्य अर्खित दास महागुप्त पद्मकल्पर मालिका एवं अभिराम ठाकुर मालिका एवं दीनकृष्ण दास उलट चौतीसा आउरी मध्य शेखर दास नीलसुंदर गीता ये जो कलिजुगर घटनावली को नहीं जहाँ भविष्यवाणी कर बतई याको बुझिया बहुत भेद रही ये अंकरे अंकरे बहुत भेद रही कि भेद को बुझिया पांच मन को रखिकी चेता चेतना रहा दरकार ताले बुझीपर महापुरुष कहले मनुष्य माने जे यहाँ कहीं न जानिबे अंकरे थिबा भेद अंक महापुरुष मानकर अंकरे थिबा भेद पार्थक्य या को मनुष्य माने कहीं बुझीपारे ना साधारण मनीष किंतु महापुरुष पुणी कहते साधारण मनीष तो दूरर कथा साधारण मनीष दूरर कथा मनुष्य कहीं न जानिबे बाबू कहीं न जानिबे हपे जानी सोनी पुणी बणा जे होइबा बाबू बणा जे होइबा कले मनुष्य देहरे या कहीं न जानिबो कहते नहीं महापुरुष अगाध सागर नुहे पारावर महिमा के कही पारू बर्णी न पारिले सती सरस्वती केते बा मते बचारू जोड़ी सती सरस्वती माँ बाग देवी नहीं जो घटना गुड़ी को वर्णना करी पारंती नाही अच्युत कहते राम रे धरमु तू मते कौन पचारुछु तू मते कौन पचारु मु बा कौन कहिबी जोड़ी सती सरस्वती वर्णना कर तेणु से कहते साधारण मनुष्य मान तो छार कथा भक्ते जानी शुणी पुणी बणा जे हुए कलिजुगे जो भक्त मान ना प्रतिदिन मालिका वचन मध्यम आलोचना करूचे जहाँ को महापुरुष अच्युतानंद पद्मकल्प टीकार जो भक्त मान ना लिखी जाइए अनेक मालिका शास्त्र रे मालिका ग्रंथ रे जो भक्त मान ना लिखा जा आलोचना करूचे से भक्त माने ये अंक गुड़िक भेद बा मालिका गुड़िक अंकर हिसाब ताकू जानिबे शुणिबे सब बुझीपे किंतु बणाईजे किंतु कल किला से बुझी सहजे पार नथिबे सहजे बुझीपारे ना तेणु से कहले भक्ते जानी शुणी पुणी बणा जे हुई संत भीम भई पद्मकल्प कहते सबूर हिसाब एक कि अंक गणना करने को हेले ये ख्रीष्टाब्द शताब्द जुगाब्द अंक 1811 या पर धारणा थी दरकार कि सकऊ नहीं स 41 देखिवा कल किरासा देखिवा कल किरासा देखिवा कल किरासा बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कौन यार अर्थ शक 1941 देखिब कलकी राहस 1941 शक यार अर्थ कौन श्रीयानी शक 1941 यार अर्थ कौन आम बारंबार कहीचे या लिखिज किए देखा ये कौ थे लिखा जाए पदटी कौ थर आम आलोचना कलु कौ थर बोलू ना संत भीम भई पद्मकल्प संत भीम भई ये पद्मकल्प पद्मकल्प ये लेखा कौन कहले ना शक 1941 बारंबार आम आलोचना करीचे भीम भई लिखिचे शताब्द कलिजुगर घटनावली की शताब्द से लिखिले पद्मकल्प कौन कहते ना शक 1941 बर्तमान शताब्द केते चलीची ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जने शताब्द चलती 1941 बर्तमान चल ये पोणा संक्रांति ठारू 2020 मसीहा पोणा संक्रांति रे शक 1941 भोग सरी या पर शक 1942 बर्तमान चलला पोणा संक्रांति ठारू चलती 1942 शताब्द तेणु ये शक 1941 देखिब कलकिरा हास तेज जाए कलकिला नयन देखू कलकिला देखी तु सतोष हु महापुरुष कहते ना कि अच्युतानंद एवं महापुरुष हाड़ीदास कही कथा भीम बही प्रथम कल्पर कहले शक शब्द 1941 तुम्हें कलकिला देखियो आप देखुना कलकिला कौन चली कौन कलकिला चली देखुवे आखिरे बर्तमान समय मदमा हो सदी करनी कार्य माड़ी आसोटी रोग से काले जाणीब अल्प दिन पृथ्वी की प्रलय योग पृथ्वी की प्रलय योग है सुजाने पृथ्वी की प्रलय योग पृथ्वी की प्राणाया जोगा ये सुजाने पृथ्वी की प्राणाया जोगा गद महोषधि करबनी कार्य माड़ी आसबटी रोग ये भली रोग व्याधि माड़ी आसब गद महोषधि मेडिसिन काम करिबो नाही केतबेले शक 1941 देखिबो कलकिला से कलकिला दुई विंश जेबे वर्ष बोलाइब बहु बीतिपात हेबो अजणा व्याधि रे प्राणी मरीबे हाहाकार पड़ीजी हाहाकार पड़े ना खाली से चारिड़े आप देखु किसी दिन ते आम निम्न देखु विस्फोरण जो हजार हजार घर भूसाई है धराशाई होगा देखु विभिन्न सहर बड़ बड़ सहर में अग्नि लगी जंगल निया लगी बड़ बड़ राष्ट्र निया लगी बर्तमान लिभे होना ये विधिवात धन जन जंतु जीवन देखो विभिन्न बाटरे विभिन्न बागरे बर्तमान विनाश लीला चली नुहे क्षय होनी तेणु ये कड़की लीला नुहे तो आउ कड़की लीला बुझे आमको हम तेणु से महापुरुष कहले शक 1941 देखिब कलकी रास 1941 शताब्द जहाँ महापुरुष कहते बाबूरे से तुम्हें देख कौन ना कलकी लीला कलकी राहस तुम्हें देख शताब्द 1941 हूँ 2020 मसीहा पुणा संक्रांति रू चली कौन ना 42 शताब्द आउ महापुरुष पुणी कहते हे ज्ञानी गुणी मंडली बोले चारि दू इरे हे बखेड़ा निकाटा होई लाणी बेड़ा निकाटा होई लाणी बेड़ा निकाटा होई लाणी बेड़ा ये सुधियाने ज्ञानी गुणी मंडली ये पदटी को लेखि लेखि ना ठाकुरे अभिराम परमहंस ये पदटी को सी लिखिं कौन लिखिले ना चारि दुई रे हेब खेल निकट होइलाणी बेल चारि दुई कहले 42 बर्तमान चलती 42 शताब्द अभिराम ठाकुरे शताब्द लिखिं तेणु 42 शताब्द कौन देखिब ना खेल देखिब कहा खेल कलकी पुरुषंकर खेल महाप्रभुंकर खेल सी चेतना पुरुषंकर खेल आउ निकट बेल होगला बेल निकटतर होगला जय श्री सत्यनारायण स्वामी ठाकुर सदिच्छा पूर्ण हो आनंद कबार तेणु अभिराम ठाकुर ये पदटी कहले हरिदास जहा कहते कली 34 अच्युतानंद जहा कहते शिवकल्प नवखंड निर्घंट संत भीम बई जहाँ कहते पद्मकल्पे अभिराम ठाकुर से कथा कहले कलिजुगर विवरणी ये सबू जाक जदि आम हिसाब करवा आलोचना करवा समयटा हूँ या समय कड़की लीलार समय 32 33 पुणी 34 32 33 पुणी 34 मीना शनि भोग हेबा अढ़े बरस मीना शनि भोग हेबा अढ़े बरस मीना शनि भोग हेबा अढ़े बरस 32 33 पुणी 34 ये समयटा केबे ये केते बड़ा समय 32 33 34 2025 रु 2027 समय हे ज्ञानी गुणी मन 32 कहले कौन आम बारंबार कहूँ साल मसीहा आगुत हो तेणु 32 33 पुणी 34 अर्थात बर्तमान चली 1427 साल जहाँकि 2020 मसीहा 27 साल 27 रु हिसाब कले 32 केबे हेबो ना 2025 26 27 ये 3 वर्ष ध्यान देवे कथा उपरे 2025 मसीहा 2026 मसीहा 2027 मसीहा 32 33 पुणी 34 मीन शनि भोग हेब 2.5 वर्ष आ पृथ्वी हेब कंधलागा रीवा मुन्ना माड़ा पृथ्वी हेब कंधलागा रीवा मुन्ना माड़ा जानी भोरे राम किछि होई बंदोड़ा जानी भोरे राम किछि होई बंदोड़ा जानी भोरे राम किछि होई बंदोड़ा सुधियाने ज्ञानी गुणी मंडली आपण बुझी जाऊे खोलिकी आपण को बुझेलु तेणु हे सुधियानी आज तो समय होना आसंदा अध्याय विषय में आलोचना करवा बाणिकी आज विराम दबा प्रभुंर नाम नहीं कि पूर्व जन भक्तर ना कहवा किए से भक्त कौन तार ना कौड़ी तार जराम बोले हलधरपुरे भक्त अनेशत अच्छी मुरली वैष्णव पाणुआ खंडायत अटंती मुरली वैष्णव पाणुआ खंडायत अटंती मुरली वैष्णव पाणुआ खंडायत अटंती कले हलधरपुर गाँ गाँ ना है हलधरपुर 99 जन भक्त अच्छा किंतु ता भीतर मुरली वैष्णव एवं पाणुआ ये 3 जन होचनी गरिष्ठ भक्त ज्ञानगुणी मंडली लेखी रखती ये भक्तर ना आपण पर ठाब करेंगे नहीं आज तो समय होती बाणिकी विराम दबा प्रभुंर नाम नहीं बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जया जगन्नाथ आदि कन्ना मदन मुरारी जया जगन्नाथ आदि कन्ना मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि सुधी ज्ञानी गुणी मंडली आज विदाय दिंतु रुचु पुणी आसंता अध्याय भेट हवा हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।